Hi guys, today we are doing a little more in fiction because of some students has raised very important doubt, right? So keeping in mind, I am making this one. Basically, sometimes it is very difficult to decide fiction is acting, which fiction is acting basically. Kinetic fiction or static fiction, or what kind of motion is there if the two bodies are moving together or one body is sliding over the other, right? So we have to think rationally, we have to do the question according to the given pattern, right? Given pattern means we have in this question 2 kg and 4 kg. Friction is there, static friction coefficient, kinetic friction coefficient, both are given, right? 30 Newton is acting on this. Now how to decide if this body is sliding over the other or the two body is moving together? See, if we draw the free body diagram, we can see here 30 Newton. We have to find the acceleration of 2 kg block, and we have been given 4 options: 6 meter per second square, 5 meter per second square, 8 meter per second square, and D, 4 meter per second square. That means, according to the given situation, body is moving, it's not at rest, right? So we have to decide from here now which friction is acting. Suppose both are moving together, just assume it as a combined mass, ye pura ek saath aage ja raha hoga, to 6 kg mass mujhe lena padega. So total force is equal to mass into acceleration, so it is coming out to be 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये आगे क्यों जाएगा 2 केजी ब्लॉक, फोर्स तो हम लोग इस पे लगा रहे हैं, एंड ऑब्वियसली फ्रिक्शन इज रेस्पॉन्सिबल. फ्रिक्शन अगर इस पे आगे दिखाएंगे तो इस पे फ्रिक्शन पीछे दिखाएगा, सिंस टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट हियर, राइट? नाउ अगर इसको साथ में जाना है तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सेलरेशन. सो आई कैन राइट मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 2 केजी है, ए मैंने फाइंड कर लिया 5. सो 10 न्यूटन का फ्रिक्शन लगना चाहिए. अब ये मेरे को पता करना पड़ेगा कि 10 न्यूटन लग भी पाएगा या नहीं, है ना? मालूम पड़ा कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 8 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन कहां से आएगा, है ना? नॉट पॉसिबल. तो हम पता कर लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी है. इफ दिस वैल्यू इज जस्ट बिलो द मैक्सिमम और विथ इक्वल टू मैक्सिमम, देन आवर अजम्पशन वाज राइट कि दोनों साथ में जा रहे थे. लेकिन अगर मैक्सिमम में मान लो आता है 8 न्यूटन, तो इतना न्यूटन तो फ्रिक्शन लग ही नहीं पाएगा. दैट मीन्स आवर एजम्पशन मीन टू बी रॉन्ग, एक दोनों साथ में जा ही नहीं सकते, राइट? सो जस्ट चेक इट आउट. तो मैक्सिमम फ्रिक्शन का मतलब होता है स्टैटिक फ्रिक्शन ले लेते हैं. दिस इज योर एन एंड दिस इज योर एम जी, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं. तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स में क्या लिखूंगा, म्यूएस इंटू एन, और म्यूएस कितना है 0.8, एन कितना है मेरे पास mg, दैट इज 2g. सो मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल इज 16 न्यूटन, राइट? यानी कि हमें मैक्सिमम से कम तो लगता ही है ना. फ्रिक्शन तो एडजस्टेबल फोर्स है, उसकी वैल्यू वेरी करती है जीरो से लेके मैक्सिमम तक. तो मैक्सिमम जीरो से मैक्सिमम के रेंज में आ गया ना 10 न्यूटन. दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी एक्टिंग 10 न्यूटन हियर. सो एक्सेलरेशन मस्ट बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अपर ब्लॉक. नोट इट डाउन. इन केस ऑफ डाउट गो इन द कमेंट सेक्शन एंड सेंड मी योर डाउट.